हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। राइट नाउ आई एम एट बर्डी और यहाँ से जा रहा हूँ मैं मनीष नगर अपने घर। और आज का ये वीडियो यहाँ पे चालू करने का मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ मनीष नगर का न्यू फ्लाईओवर बन चुका है एंड वो हम सभी के यूज़ के लिए चालू भी हो चुका है। लेकिन क्या आप सभी को पता है यहाँ पर पहले एक दूसरा फ्लाईओवर हुआ करता था जिसका नाम है आदिवासी कोंडगोवारी फ्लाईओवर। उसका एक फेज़ यहाँ पे है, यहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। एंड इसका जो सेकेंड एक्सटेंडेड फेज़ था वो था छत्रपति स्क्वायर पे, जिसे कम्प्लीटली तोड़ के वहाँ पे एक नया फ्लाईओवर एंड मेट्रो के लिए उस फ्लाईओवर के ऊपर में एक नया ट्रैक बिछाया गया है। तो चलिए अभी देखते हैं वही फ्लाईओवर। ओके गाइस, राइट नाउ आई एम एट अजनी स्क्वायर एंड यही से ये फ्लाईओवर होता है चालू। एंड मेरा राइट में आप देख सकते हैं ये था वो एक एक्सीडेंट स्पॉट, एक हॉट स्पॉट जिसे आरटीओ ने बंद कर दिया है, तो वो काफ़ी अच्छा हो गया। एंड मेरे आगे में आप देख सकते हैं हमारे नागपुर के नए नवेले डबल डेकर फ्लाईओवर की एंट्री, वन एंड ओनली इन इंडिया। जी हाँ, एंड गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं दो बोर्ड लगे हैं, यहाँ पे लिखा है वर्धा एंड एयरपोर्ट। सो बात कुछ ऐसी है, यही फ्लाईओवर जाता है मनीष नगर के लिए भी, लेकिन फिलहाल इसे मनीष नगर के लिए बंद रखा है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा वो जो टचअप का काम है वो अभी भी चल रहा है। मनीष नगर के लिए बंद क्यों करके रखा है उसके बारे में एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। एंड कनेक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो ये हमें कनेक्ट करता है अजनी स्क्वायर से डायरेक्ट एयरपोर्ट स्क्वायर एंड उसी के साथ में मनीष नगर। एंड गाइस यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ से अगर आप मनीष नगर से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आप इस फ्लाईओवर के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आपको उतरना पड़ेगा आगे एयरपोर्ट स्क्वायर एंड वहाँ से लेना पड़ेगा यू टर्न अगर आपको सिटी में जाना है, या फिर अगर आपको वर्धा साइड में जाना है, MIDC साइड में जाना है, बुट्टीपुरी MIDC साइड में, तो आपको कोई भी यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप आगे में बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अराउंड आधे से एक किलोमीटर तक का डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ चुका है, लेकिन वो है कि बहुत सारे सिग्नल स्किप हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात। लेकिन अगर कनेक्टिविटी के बारे में मैं अगर इस फ्लाईओवर को रेटिंग देना चाहूँ तो 10 out of 7 ही मैं दूंगा, क्योंकि हम मनीष नगर के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुका है। एंड गाइस उसी के साथ में यहाँ पे अंडरपास भी चालू कर दिया गया है, जिसकी कनेक्टिविटी फ़िलहाल वर्धा रोड से मनीष नगर रखी है। मनीष नगर फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी मनीष नगर टू एयरपोर्ट स्टेशन रखी है एंड उसके दूसरे साइड का ट्रैफिक फ़िलहाल चालू ही रखा है। एंड यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हैं यही है वो एंट्री जहाँ से हम मनीष नगर के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, बट आई डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट्स द रीज़न। शायद थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे अभी भी बच रहा है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये चालू हो जाएगा दोनों भी साइड का ट्रैफिक। एंड गाइस रोड सरफेस के बारे में आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करा है कि यहाँ पे फ्लाईओवर का रोड सरफेस बहुत ही अनइवन है, जहाँ पे दो स्लैब जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पर स्पेशली एक खड्डा सा फील हो रहा है, तो ये यार बहुत ही बुरा मुझे लग रहा है। एक एकदम कम्प्लीटली न्यू स्ट्रक्चर है, न्यू डिज़ाइन के साथ में ये बना है, लेकिन यहाँ पे वो पहले वाली जो दिक्कत आती थी अनइवन सरफेस का प्रॉब्लम तो अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसके ऊपर मेट्रो ने कुछ डिस्क्लेमर दिया है, उनका कहना ये है कि आने वाले समय में जब इसका कंटिन्यूसली यूज़ होगा तो वो सरफेस कम्प्लीटली हो जाएगा फ्लैट। एंड इसके पीछे मुझे तो नहीं लगता है कि वो कितना फ्लैट होगा और कितना क्या होगा। और यहाँ से मैं लूँगा अभी मनीष नगर के लिए यू टर्न, ये है एयरपोर्ट स्टेशन। अगर आपको यहाँ से जाना है सीतामढ़ी, अजनी या फिर RBI, तो ये वाले रोड से इस फ्लाईओवर से आगे में बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें जाना है मनीष नगर में तो मैं जाऊँगा इस नीचे वाले साइड से एंड वहाँ से फिर गुजरेंगे अंडर पास से। यही वो टर्निंग है बॉस, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर के दो बड़े बड़े सिग्नल लगे हुए हैं। ये है नागपुर का इकलौता अंडरपास, वैसे नागपुर में इसको छोड़ के और एक अंडरपास है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो अंडरपास कौन सा है। एंड ऑफिशियली तो ये सेकंड अंडरपास हो गया, बट वैसे लोग बोल रहे हैं कि ये नागपुर का इकलौता अंडरपास है, बट ऐसा नहीं है।
जो भी लोग उस पहले वाले अंडरपास से गुजरे हैं उन्हें पता है वो कहाँ पर है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और ये है इस अंडरपास का एंड। और फिलहाल यहाँ से वर्धा रोड के लिए ट्रैफिक ब्लॉक करके रखा है, एंड यहाँ पे चल रहा है इस कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। पता नहीं यार कितना कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे करेंगे। यही है वो एंट्री जो मनीष नगर को वर्धा रोड एंड एयरपोर्ट के लिए जोड़ती है। अजनी के लिए डायरेक्ट नहीं जोड़ती है, यहाँ से आपको आगे में जाके जैसे कि बोला था यू टर्न लेना पड़ता है, तो वो एक दिक्कत तो हमेशा यहाँ पे हमें सताएगी ही सताएगी। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे कनेक्टिविटी प्योरली एयरपोर्ट से आने वाली जो ट्रैफिक सिटी में जा रही है उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए रखी गई है, एंड सेकेंडरी प्रेफरेंस दिया है हम मनीष नगर वालों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे अगर चाहे तो फ्लाईओवर का ओपनिंग जो एयरपोर्ट स्क्वायर पे दिया है उसके जगह पे सोमलवाड़ा स्क्वायर या फिर उज्ज्वल नगर स्क्वायर पे दे सकते थे, ताकि हम मनीष नगर वाले बंदे डायरेक्ट उस फ्लाईओवर के ही स्क्वायर पे एंट्री मारे एंड वहाँ से फिर फ्लाईओवर पे एंट्री लेके सिटी में जा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मनीष नगर के लोगों को दिक्कत थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन इसका एक परफेक्ट या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है मैं ये नहीं कहूँगा। और अभी भी यहाँ पे आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिले हो रहा है। अच्छा है कि ये वाले साइड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग है सिर्फ आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मोटो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।